Dear students, welcome to the classes of our AI Academy. We are studying company accounts and the chapter is an issue of debentures. And the concept is issue of debentures for consideration other than cash. Yani asset kharida, debenture diya. Question A, Romi Limited acquired assets of rupees 20 lakhs and took over liabilities of 2 lakhs. So asset minus liability is equal to capital at 20 minus the 18 lakh. From Kapil Enterprises, Romi Limited issued 8% debentures of 100 each at a discount of 10% as a purchase consideration, past journal entries. 10% discount में debenture issue कर रहा है. तो number of debentures to be issued निकालो. 20 lakh minus 2 lakh, asset minus liability is equal to net assets, यानी purchase consideration. और इनको 100 रुपए वाले debenture को 10 रुपए discount में दे रहे हैं. तो 20,000 डिवेंचर देंगे 100 रुपए वाले, तो इनका परचेज कंसिडरेशन पूरा हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट. तो फेयर नोट में आप जर्नल बनाओ, असेट्स अकाउंट डेबिटेड, असेट खरीदा 20 लाख का, असेट अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज टू क्रेडिटर्स, लिखा है टू कवर असेट्स एंड क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, 20 लाख से 2 लाख गया. तो टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर का नाम भी दे रखा है, टू कपिल एंटरप्राइजेस, कपिल एंटरप्राइजेस से खरीदा 18 लाख में. तो नरेशन लिख दो, बीइंग परचेज्ड असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 20 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस एट ए प्राइस ऑफ 18 लाख, क्योंकि 20 माइनस 2 18 आ गया. और क्वेश्चन में आपके कहीं 18 में खरीदा लिखा नहीं, 18 लाख में. तो ऑटोमेटिकली असेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, 18 लाख में खरीदा. फिर कपिल एंटरप्राइजेस डेबिटेड 18 लाख, जितना डेबिट उतना क्रेडिट कैंसिल हो गया. डिस्काउंट में इश्यू कर रहा है 20,000 × 10 2 लाख, डिस्काउंट ने इश्यू डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, 20,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10. टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है तो लिखो. तो 2 8% डिवेंचर अकाउंट 20,000 × 100, 8% डिवेंचर, 20,000 डिवेंचर सब 100 ईच, क्योंकि यहाँ पे खाली पार वैल्यू आएगा. और नरेशन में लिखेंगे, बीइंग 20,000 डिवेंचर सब रुपीज 100 ईच इशू टू कपिल एंटरप्राइजेस एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इन सैटिस्फेक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. नैरेशन करने के बाद इसके बाद टोटल कर दो. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.